हाथरस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की जांच सीबीआई से किए जाने की आदेश दिए हैं। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने कहा उन्हें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। पीड़ित के भाई ने कहा इस केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। इसका पूरा सच अब आएगा सामने। हाथरस केस की जांच सीबीआई के हवाले। हाथरस केस में अब बच नहीं पाएंगे दोषी। पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और अब सीबीआई। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए अब जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई कि हाथरस केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। हाथरस के निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे हैं। शुक्रवार को सीएम ने मामले की जांच कर रही एसआईटी की पहली रिपोर्ट के आधार पर एसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से नाराज हैं क्योंकि वो हाथरस केस को सही से हैंडल नहीं कर पाए। यही वजह है कि सीएम ने खुद एक्शन लेते हुए सीबीआई से इस मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है, हाथरस केस के दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। हाथरस पुलिस ने इस मामले को अटकाने की, भटकाने की, बहकाने की, बहलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंडिया टीवी का कैमरा खुला, खुलासे होने लगे। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है, कह रहा है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हालांकि हाथरस की निर्भया का परिवार इस मामले की सीबीआई जांच नहीं चाहता। पीड़िता की भाभी का कहना है कि केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन।